पूछा है, देश के युवाओं के लिए मैं क्या संदेश देना चाहूँगा? देश के युवाओं के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, हमेशा युवा बने रहना। युवा होने का उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है, युवा होना आपके चित्त की दशा है। मैंने 65-70 साल के युवा भी देखे हैं और 20-25 साल के बूढ़े भी देखे हैं। उत्तर भारत के इलाके में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में गया था, वहाँ एक 13 साल की लड़की मुझसे मिलती है और बड़े भाव से पूछती है, गुरुदेव मैं मुक्ति का मार्ग जानना चाहती हूँ। मैंने बड़ी गंभीरता से उसकी ओर देखा और उससे पूछा, तू किस चीज़ से मुक्त होना चाहती है? वो चुप रह गई, उसे अपने प्रश्न का ही पता नहीं है। मैंने कहा, तूने तो अभी जीवन ही नहीं जिया, जीवन को ही नहीं देखा, जीवन से मुक्ति का प्रश्न ही अभी नहीं उठ सकता। मुक्ति का प्रश्न तो तब उठ सकता है जब आपने जीवन को जी लिया हो, जीवन को जान लिया हो, जीवन को समझ लिया हो, जीवन के दुखों से आपका परिचय, आपका मुकाबला हो चुका हो। अभी तो जीवन जीना आपने शुरू ही नहीं किया और मुक्ति का प्रश्न कहाँ से आपके भीतर उठने लगा। युवा होने का अर्थ है आपकी दृष्टि मृत्यु पर नहीं जीवन पर हो। आज के युवाओं को देखकर बड़ी हैरानी होती है, बड़ा दुख भी होता है। टी शर्ट पहन लिया, जीन्स पहन लिया, हाथ में मोबाइल ले लिया, सीटी बजाना आ गया, फिल्मी गानों पर ठुमके लगाना आ गया, अपने को जवान मान लिया। ये कोई जवानी का लक्षण नहीं है। जवानी का अर्थ है मानसिक यौवन का होना, मेंटल यंगनेस का होना। मैं पृथ्वी पर युवा चित्त पैदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट यंग माइंड मूवमेंट ऑन दिस अर्थ। एक युवा चित्त चाहिए, एक क्रांतिकारी चित्त चाहिए। युवा चित्त का अर्थ है ऐसा चित्त जो जिंदगी को सही दिशा में बदल डालने को तत्पर हो, यानी उसे जो गलत दिख जाए उसको छोड़ देने का साहस और जो सही दिख जाए उसको कर डालने की हिम्मत। यह कैसे संभव है? इसका सर्वाधिक शक्तिशाली सूत्र है हमेशा वर्तमान में जीना। बूढ़े लोगों को हमेशा अतीत के प्रति आकर्षण बना रहता है, वे जिंदगी के पिछले समय को, बीते हुए समय को हमेशा याद करते रहते हैं, उसी की चिंता करते रहते हैं, उसी की बातें करते रहते हैं। और बच्चों को हमेशा भविष्य की चिंता लगी रहती है, वे बड़ा होने चाहते हैं, वो निरंतर कल के बारे में सोचते रहते हैं, कल के सपनों में उलझे रहते हैं। युवा होने का अर्थ है जो न तो बूढ़ों की तरह अतीत में जीता हो और न बच्चों की तरह भविष्य के सपनों में उलझा रहता हो। युवा होने का अर्थ है जो हमेशा वर्तमान में जीता हो। सामान्य रूप से लोग बच्चों के रूप में पैदा होते हैं और जवानी के अनुभव से गुजरते ही नहीं, सीधे वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में जीने का उन्हें कोई अनुभव ही नहीं होता है। युवा होने का एक ही राज है, सदैव वर्तमान में जीना। और इस राज का पता चल जाए तो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। शरीर बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। मेरा मानना है कि युवावस्था आत्मक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को पूरा पूरा रूपांतरित कर सकता है और यह रूपांतरण ही जीवन की महानतम क्रांति है। अब तक जितने भी क्रांतियां इस पृथ्वी पर हुई हैं, चाहे वो सामाजिक क्रांति हो, चाहे आर्थिक क्रांति हो, चाहे राजनीतिक क्रांति हो, सभी क्रांतियां असफल हुई हैं, क्योंकि हर तरह की क्रांतियों को करने के बाद जो नई व्यवस्था पैदा होती है उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमेशा उन्हीं गलतियों को दोहराया जाता है जिनके खिलाफ संघर्ष करके सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक क्रांतियां की गई। यही कारण है कि ये सारी क्रांतियां आज तक असफल हुई हैं। असफल होने का एक ही कारण है कि व्यक्ति तो बदला नहीं, सिर्फ बाहर का ढांचा बदल गया। और असली क्रांति तभी संभव हो सकती है जब व्यक्ति भीतर से बदले, जब व्यक्ति भीतर से रूपांतरित हो। वह है आत्म रूपांतरण की क्रांति। इस क्रांति से गुजरने के लिए, आत्म क्रांति को उपलब्ध करने के लिए युवा काल सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस अवसर का पूरा उपयोग आत्मक्रांति के लिए किया जाना चाहिए।
देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अपने इस महत्वपूर्ण समय का उपयोग करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा आत्मक्रांति में लगा दें। मनुष्यता के इतिहास में अब तक बहुत थोड़े से लोग हुए हैं जो वर्तमान में जीने की कला सीख पाए, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई क्राइस्ट, कोई कृष्ण। लेकिन आज संपूर्ण जगत एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए परिपक्व हो चुका है। अब एक आध्यात्मिक क्रांति का अद्भुत समय आने को है। इस समय को चूकना जिंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी। अब पूरा का पूरा समाज, पूरी की पूरी संस्कृति वर्तमान में जीने वाली हो सकती है। इस दिशा में हमारे देश के युवा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश हमेशा अध्यात्म जगत में दुनिया का मार्गदर्शक रहा है। अगर देश के युवा आत्मक्रांति से गुजरते हैं, वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं, तो सारी धरती के लोगों को वर्तमान में जीने की कला सिखाने के लिए एक विराट आध्यात्मिक क्रांति पृथ्वी पर पैदा कर सकते हैं और भारतवर्ष पुनः जगतगुरु होने के गौरव को उपलब्ध हो सकता है। देश के युवा भारतवर्ष की अनूठी विरासत को, आध्यात्मिक संपदा को फिर से जीवंत कर सकते हैं और संपूर्ण पृथ्वी पर अध्यात्म के आलोक को जगा सकते हैं। भारतवर्ष की आध्यात्मिक संपदा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने का काम देश के युवाओं को करना है, तभी संपूर्ण मनुष्यता को महाविनाश से बचाया जा सकता है। भारतवर्ष के युवा ही इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर मुल्क में नहीं होती, हर चीज़ के लिए हर ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है। विज्ञान अगर भारत में आया है, पूरब में आया है, तो पश्चिम से आया है। अध्यात्म अगर पश्चिम जाएगा तो पूरब से ही जाएगा। देश के युवा भारत की अनूठी आध्यात्मिक संपदा को सारी दुनिया में पहुंचाने का काम कर सकते हैं और यह अद्भुत अवसर है, इसका उपयोग देश के युवाओं को करना है। यही मेरा उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश है।